वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट शेयर्ड बजट्स ठीक है जी सो शेयर्ड बजट्स को एक्सेस कैसे करना है तो आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर देन यहां पे आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज शेयर्ड बजट्स ठीक है शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ये ऑप्शन है शेयर्ड बजट्स तो आप यहां जाओगे सीधे शेयर्ड बजट्स के अंदर अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर्ड बजट्स होता क्या है तो जैसा आप नाम से समझ सकते हो कि बजट है जो कैंपेन्स के बीच में क्या हो रहा है शेयर राइट तो मल्टीपल कैंपेन्स के बीच में एक बजट शेयर हो रहा है that is called shared budget. जब आप नॉर्मल कैंपेन बनाते हो तो क्या करते हो उसका बजट सेट करते हो राइट अब शेयर बजट में क्या होता है आप एक ही बजट मल्टीपल कैंपेन्स पे लगा सकते हो राइट तो सपोज करो आपका आपने एक शेयर बजट बनाया और आपने वो रखा दस हजार ठीक है और आपने चार कैंपेन सेलेक्ट किए जिसके बीच में आपको वो शेयर डिवाइड करना है तो अब होगा क्या ये जो दस हजार रुपए का बजट है ये गूगल इन चार कैंपेन्स के बीच में बांट देगा हो सकता है तीन कैंपेन्स पे ज्यादा पैसा लगे एक पे कम लगे हो सकता है एक पे ज्यादा लग जाए तीन पे कम लगे तो गूगल का गोल रहेगा कि आपका जो आर है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और उसी हिसाब से गूगल जो है वो आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है दिस इज शेयर्ड बजट अब शेयर्ड बजट बनाते कैसे हैं तो देखिए तो जैसे मैंने आपको बताया आप जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर एंड फ्रॉम हियर यू विल गो टू शेयर्ड बजट ठीक है देन आपके पास एक क्या तो प्लस का ऑप्शन है या फिर है न्यू शेयर बजट ठीक है तो से मैंने किया न्यू शेयर्ड बजट देन गूगल आपसे पूछ रहे हैं कैंपेन का नाम क्या है जी अब आप एक चीज देखो इससे पहले कि मैं शेयर्ड बजट बनाऊ ये मेरा कैंपेन है और इसका बजट है एक हजार रुपए पर डे ठीक है तो अगर मैं इस कैंपेन को यहां से क्लिक करूं और मैं यहां सेटिंग्स में जाऊं तो आप देख सकते हो वन थाउजेंड रुपीज पर डे इसका बजट है ठीक है अब हम जाते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स पे और हम जाते हैं अब शेयर्ड बजट पे मैं करता हूं न्यू शेयर्ड बजट ठीक है और इसका हम नाम लिख देते हैं शॉपिंग शेयर बजट अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि ठीक है कितने पैसे खर्च करना चाहते हो पर डे तो से मैंने ले लिया पांच हजार रुपए गूगल पूछ रहा है कि क्या आपको ये किसी कैंपेन पे अप्लाई करना है या नहीं करना है तो मैं चाहूं तो सीधे यहां से वो कैंपेन सेलेक्ट कर सकता हूं जिसपे मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं सीधे यहां पे इसे सेलेक्ट करके इसे मैं कर दूंगा सेव ये मैंने सेलेक्ट करके सेव कर दिया अब मैं वापस अगर गूगल एड्स पे जाऊं और यहां मैं जाऊं अपने कैंपेन पे और यहां जाऊं पे तो आप देख सकते हो यहां पे जो बजट है वो शेयर अप्लाई हो चुका है देखो लग गया पांच हजार रुपए शेयर बजट ठीक है सो so, बहुत ही सिंपल है शेयर बजट अब देखो ये तो एक तरीका था शेयर बजट लगाने का जहां पे मैंने कैंपेन पहले ही सेलेक्ट कर लिया था अब मैं एक काम करता हूं वापस जाता हूं सेटिंग्स पे और शेयर बजट पे इसको मैं क्लोज करता हूँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बेसिकली और एक हजार रुपये लिखता हूँ इसको मैं सेव करता हूँ वापस जाता हूँ टूल्स एंड सेटिंग्स पे और वापस जाता हूँ शेयर बजट पे और ये जो मेरा है शेयर बजट इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव ठीक है जी रिमूव किया अब देखो अब एक नया शेयर बजट बनाते हैं ठीक है न्यू शेयर बजट शॉप टू और ये लिख देते हैं छह हजार रूपए इसको किसी कैंपेन पे अप्लाई नहीं करता और इसको कर देता हूं सेव राइट right? लग गया अब सपोज करो ये जो मेरा कैंपेन है इस इसपे मुझे वो शेयर बजट लगाना है राइट right? तो एक तरीका तो हमने पहले देखा था अब दूसरा तरीका क्या है बहुत ही सिंपल है कैंपेन सेलेक्ट करो सेटिंग पे जाओ बजट सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो अप्लाई फ्रॉम शेयर लाइब्रेरी तो यहां से क्लिक करो और इसे सेलेक्ट करो और इसे सेव करो लग गया राइट right? तो दो तरीके हैं शेयर बजट लगाने के आपने देखा शेयर बजट होता क्या है और कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसन